नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करछु मु स्वप्ना। संपूर्ण खबर पूर्वरु नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। पुणी जननी जंत्रणा, रास्ता नथिबारु गांव को आसी पारलानी आंबुलांस। खटियारे नदी पार हेले प्रसूति। कलाहांडी लांजीगढ़ आसला विकासर विकल चित्र। सेपटे लिफ्ट खराब होइजिबारु एसीबी रे सीढ़ी चढ़ीगले गर्भवती। कंगना को नहीं आपत्तिजनक टिप्पणी। वकिलों को पड़ा महंगा। झारसुगुड़ा थाना रे आईनजीवी मेहंदी रेजा नाँ मामला रुजु। लाइसेंस रद्द पर बार काउंसिल को चिट्ठी लिखला जिला वकिल संघ। घनीभूत है बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप। आज नेब अवपात्र रूप। राज्य में तीन दिन प्रबल वर्षा। गंजाम गजपति को ऑरेंज सह आठ जिला को येलो वार्निंग। समुद्र मध्य मत्स्यजीवी को मना। आजि मंडपरे षष्ठी बिल्लो वरण परे पूजा पाइबे महामाया। सेपटे शक्तिपीठ में चलती माँ का सप्तमी पूजा। विभिन्न बेशरे दर्शन देउछन्ती माँ जगत जननी। एवं आज केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जन्मदिन। 56 वर्ष बयस पदार्पण करले शाह। ट्वीट कर जन्मदिन शुभेच्छा जनइले प्रधानमंत्री मोदी। कहले देश और दल प्रति शाह अवदान अतुलनीय। एथर संपूर्ण खबर। राज्य में तीन दिन प्रबल वर्षा। एवं उत्तर पश्चिम तथा संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल तथा दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल में सक्रिय रही लघुचाप। यह आगामी 48 घंटा रे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी ओडिशा उपकूल दे उत्तर पश्चिम बंगोपसगर पश्चिम बांग्लादेश उपकूल आड़क गति करार संभावना रही। आगामी 12 घंटा रे अवपात और परवर्त 24 घंटा रे गभीर अवपात में परिणत होवार संभावना रही। यार प्रभाव में गजपति गंजाम में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। तळिया अंचल रे पानी जमीबा सह भूस्खलन होइपारे। कच्चा घर और रास्ता प्रभावित होइपारे। सेहिपरि आठटी जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता काली गंजाम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। या सह गजपति खोर्धा कटक जाजपुर मयूरभंज और ढेंकानाल को येलो वार्निंग। 24 तारीख रे 6टी जिला रे प्रबल वर्षा नै येलो अलर्ट देइछि पाणिपाग केन्द्र। यह समय 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिब। से 24 तारीख जाए समुद्र को मत्स्यजीवी को जीवाई बारण कर। पुणी जननी जंत्रणा, रास्ता नथिबारु गांव को आसीपारला नहीं आंबुलांस। खटियारे नदी पार हेले प्रसूति। एभली अभावनीय घटना देखा मिली कलाहांडी जिला पछुआ ब्लक लांजीगढ़ में। बड़पड़ार घड़ई पेटा साहिर बासंती हरिजन को प्रसव बेदना जो से गुरुतर हो पड़ते। गर्भवती को डाक्तरखाना नेबापी 108 आंबुलांस को खबर देते हैं। लांजीगढ़ बड़पड़ा और घड़ई पेटा साहिर मझे बंशी नदी में पा आसुवा जो बड़पड़ आग को जापार आंबुलांस गाड़ी फल संपर्क माने एक खटियारे बोही बंशीधारा नदी में 3.5 फुट पानी में 500 मीटर आने सेठार आंबुलांस जोगे लांजीगढ़ सरकारी डाक्तरखाना को निया। आज को 30 वर्ष है बंशधारा नदी में पोल निर्माण पर प्रशासन को बारंबार अभियोग करते सुफल मिल ना घड़ई तोटावासी अभियोग कर। लिफ्ट खराब थिबारु गर्भवती महिला को टेकी टेकी नेले परिवार लोके। एभली अभावनीय घटना घटी राज्यर बड़ मेडिकल कहुवा एससीबी मेडिकल रो स्त्री प्रसूति विभाग रे। भलकरी देखंतु एही दृश्य को। जंत्रणा समय रे महिला जनक किपड़ी सीढ़ी चढ़ी जाउचंती लेबर रूम को। राज्य सरकार एससीबी मेडिकल को एम्स प्लस मेडिकल कथा चिंता करुछंती। रोगी किपरी बाटरे हैरान न होबे रास्ता प्रस्तुत करुछंती किंतु मेडिकल भितरे लिफ्ट खराब जोगु रोगी हैरान होउछंती। सोशल मीडिया रे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत को नहीं आपत्तिजनक टिप्पणी करिबा परे आईनजीवी को पड़ा महंगा। झारसुगुड़ार आईनजीवी मेहंदी राज नारे स्थानीय हनुमान मंदिर सेवा समिति पक्षर थाना रे एतला दिया जाइछि। वकिलों एभली अश्लील मंतव्य अभिनेत्री को आत्मसम्मान हानि करुथबा बेले हिंदू जनभावना प्रति आघात करिछि बोली संगठन पक्षर थाना रे अभियोग करा जाइछि। सेपटे जिला वकिल संघ पक्षर आईनजीवी सदस्यता रद्द करा सह वकिल लाइसेंस रद्द करने को बार काउंसिल को चिट्ठी लिखा जाइछि।
ଏଥିସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସହରର ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମେହେନ୍ଦି ରୋଜା ରେଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିନେଶ ଜୈନ। ସେ ଆମର ଆଡଭୋକେଟ ମେହେନ୍ଦି ରାଜା, ସେ ଆମର ଝାରସୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛି ଝାରସୁଡ଼ା ବାର୍ର। ସେ ଗୋଟେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ଫେସବୁକରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲା। ସେ କମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା କି ସି ସୁଡ଼ ବି ରେପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଉନ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ କମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଝାରସୁଡ଼ା ବାର୍ର ଆଡଭୋକେଟ, ସୋ ଆମର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ଛବି ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଲା କି ତାକୁ ପହଲା ବାର୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ, ଆମର ଝାରସୁଡ଼ା ବାର୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୋକଜ ମଙ୍ଗା ହେଲା କି କାହିଁକି ତୁମକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିସମେମ୍ବର କରାହେବନି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ସେ କପିଟା ଆମେ ରିଫର କରିକି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ତାକେ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ତାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ରୁ ରିମୁଭ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛେ ତାକେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେଟ୍ଟା ଯିବେ ଏସ୍ପି ଆଉ ଆଇଏସି ପାଖକୁ, ତାର ଆରେଷ୍ଟ ଦାବି କରି ଯିବେ। ଆଉ ତାକେ ଆମେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ସୋକଜ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତାର ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ବିଲୁଅ ବରଣ ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ସେପଟେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦଶହରା ପୂଜା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରାଳାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସ। ତେବେ ମାନସ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଜି ମାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ, ଯଦି କହିବା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁ ପୀଠ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଏ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠିକି ବୁଣ୍ଡମାଳ ହେବା କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଛୁଟିଆ କଥା, ସାରା ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ମହାପାର୍ବଣରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ, ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାଇ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ମାଆ ଶାରଳା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପବିତ୍ର ପାର୍ବଣରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ ତାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଳି କଲେ ଭକ୍ତ ପୂରଣ, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲେ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାଏ ଭକ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ବ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ବଣ ପର୍ବ। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇଠି 46 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ମହାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଦଶମୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୋମାସୀ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ 40 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ମହିଷାବର୍ଦ୍ଧିନୀ ବେଶ ସହିତ ସୁନାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି, ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ସେ କରୋନା କଟକଣାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ଆମେ ରହିଛୁ ଆଜି ସେହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ, ପବିତ୍ର ପୀଠରେ,
किभली भाव में माँ को लोक मैंने दर्शन करेंगे एवं तांकर जो वर्षक जो पार्वण पर्व में माँ को दर्शन करनेशा कौन ओडा बाहर श्रद्धा मैंने छुट्टी आसी था आज से ही पर्वर दिन कितु करोना कटकणापी पर्व फिका पड़ी श्रद्धा मानक देखा दर्शन जो परिमाण श्रद्धा ये हवा कथा से परिमाण श्रद्धा ना दिन तमाम किसी किसी श्रद्धा आसुँचं ता सहित जो मैंने रही सेवायत मैंने किभली मैंने जीक श्रद्धा आसुँचे माँ का गोटे छोटिया गेट कर छोट गेट मध्यम माँ को दर्शन कर मन बांचा रही माँ का निकट रही करम पाखे रही मंदिर जो सेवायत रही पवित्र जो महापार्वण पर्व रही केवठू आरंभ किभली भाव में पालन करम पाखे रही जो सेवायत ये जो माँ को जो पवित्र पार्वण पर्व रही किभली भाव में पालन कर माँ को पार्वण पर्व 10 तारीख ठूँ आरंभ हो 23 तारीख रोचे माँ का अष्टमी पूजा महाअष्टमी पूजा 23 तारीख दिन कर 24 तारीख हूँ नवमी 25 तारीख हूँ दशहरा माँ शारलांकर षष्ठी सप्तमी अष्टमी माँ का संध्या बेले महिषा मर्दिन बेश राति सुनावेश माँ नौ पत्रिका ठूँ 17 तारीख ठूँ 23 तारीख पर्यंत जो चलती प्रतिमा आम अच्छा लंडा दोल अच्छी गोटा अधा किलोमीटर हम माँ को जो गोटे जन्मस्थान से माँ परिक्रमा करने जाती ए कोरोना कटकणा जो वर्तमान अच्छी आम माँ पाखे जनावु ए कोरोना कटकणा शीघ्र दूरीभूत हो भक्त मैंने जो भी अच्छा भक्त मैंने भले रुहतु कि पूजा नीति जमी हवा कथा हो प्रशासन तरफ भक्त मानक दर्शन किसी कर सुविधा ना आज आज जो महासप्तमी पर्व रही पीठ से किभली भाव में आज माँ को किभली भाव में पूजा अर्चना सकाल कौन पूजा अर्चना करम पाखे आज जन वरिष्ठ सेवायत रही किभली भाव में माँ को पवित्र महासप्तमी पूजा आरंभ हो गत षष्ठी जिला कौन कौन कौ ई पूजा करो रीतिनीति पूजा कर सकाल आज सप्तमी में माँ को कि पूजा कर दिन तमाम वर्णना टी कह आज कल माँ को षष्ठी पूजा जा आज सप्तमी पूजा आज माँ को सका मार्जनारिका सरी माँ को पूजापूजी सरी बर्तमान माँ को बाल्यभोग पूजा कर 10 तारीख ठीक पूजा माँ को आरंभ होगा मूलाष्टमी ठीक महाअष्टमी जाके माँ को पूजापूजी नीतिगति सब ठीक से चलती भक्त मान कोविड कटक जो भक्त मान बंद अच्छे नीतिगति सब ठीक से चली माँ को पूजापूजी ठीक चलती आज्ञा से माँ को भक्त मान केवल बंद अच्छे आज सब माँ को नीतिगति पूजा सब ठीक चलती जय मा सकल सुना बेस प्रत्येक दिन महिषा मर्दिन बेस कराए सुना बेस किभली भाव में बेस कराए माँ को रातिर जो षोडश उपचार पूजा कराए माँ को पूजा पाठ सरला से सुनावेश माँ कोई मूलाष्टमी महाअष्टमी जाके बर्तमान महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती और सरस्वती बेस माँ को तीन षष्ठी सप्तमी अष्टमी माँ को बेस कर सन्ध्या महिषा मर्दिन बेस सन्ध्या निश्चित भाव मानस जब प्रत वर्ष अति आडंबर सहित पालन करा किंतु चलित बर्ष कोरोना कटकणा जो मंदिर भितर को कौन भक्त को प्रवेश अनुमति मिलना ता सहित सात जन सेवायत पूजा मंडप रही जहां माँ को पूजा अर्चना करने जहां राज्य सरकार पक्षर गाइडलाइन जारी कर धन्यवाद आप समस्त अपडेट मानस कटक जिला बांकी स्थित माँ चर्चिका पीठ से आज सप्तमी पूजा निडम्बर भाव में पालन करा महानदी 108 जल सेवायत द्वारा अणाई माँ को स्नान नूतन वस्त्र परिधान माँ दुर्लभ बेश अति मनोरम चलित बर्ष कोरोना सब पूजा फिका पड़ी बिना भक्त चली माँ रीतनीति आज हेउछि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जन्मदिन से 56 वर्ष बयस पदार्पण कर सबु महलू शुभेच्छार सुअ छुटुछि अमित शाह 56तम जन्मदिन अवसर में शुभेच्छा जणाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1964 अक्टोबर 22 मुंबईर एक गुजराती परिवार रे जन्मग्रहण कर अमित शाह पिता नाम हेउछि अनिल चंद्र शाह एवं माता नाम कुसुमबेन अमित शाह 1980 मात्र 16 वर्ष बयस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जोग देते 1986 प्रथम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित साक्षात होता
जाजपुर जिला व्यासनगर म्युनिसिपालिटी प्रधानमंत्री आवास योजना शौचालय और राशन कार्ड अनियमितता को नहीं बीजेपी व्यासदेव शाखा तरफ कलिंगनगर अतिरिक्त जिलापा एक दावीपत्र दि जाएगी। शासक दलर किसी मुष्टिमय लोकों इशारे चली दुर्नीति प्रकृत हिताधिकारी पाखे योजना सब पहुंची पारना राशन कार्डर लोकों ना काटि दिखाई तुरंत कार्यानुषान ने बीजेपी व्यासदेव शाखा तरफ दावी होता बेले अतिरिक्त जिलापा यहां तदंत कर कार्यानुषान प्रतिश्रुति देखते जाजपुर जिला व्यासनगर पौर संस्था द्वारा लोकार्पित होइछि ऑनलाइन देय व्यवस्था। एहि देय आदाय पई व्यवहृत होबाकु पांच गोटी स्वाइप मशीन को सर्वसाधारणक पई लोकार्पित करा जाइछि। गोटी मशीन पौर कार्यालय रे मौजूद रखा जाय अन्य चारोटी मशीन को टिकस संग्रहकारी को देय संग्रह पई दिया जिवार व्यवस्था होइछि। कलिंगनगर अतिरिक्त जिलापाल तथा पौर प्रशासक संतोष कुमार मिश्र यहाँ लोकार्पित करिछन्ते। टिकस आदाय क्षेत्र में विशेष रूपे सहायक होगा सहित द्वारा हिताधिकारी को नो कैश सुविधा उपलब्ध हो पार बोली अतिरिक्त जिलापाल कहते। परिंक परिवार कथा शुणुनी प्रशासन हाइकोर्ट को निर्देश पर भी मिलूनी पुलिस सुरक्षा एवं अभियुक्त साहस अधिक बढ़ी अभियोग बारंबार परिवार को घरे पशि माड़ मरा जाउछि। शासक दल हाथ थिबारु गरीब परिवार को ना न्याय मिलुछि ना सुरक्षा। आज्ञा आमको प्रतिदिन एम सब आक्रमण हो मेंटली फिजिकली सब आक्रमण करने चेष्टा कर घरे पशि परिंक परिवार को माड़ अभियोग सुरक्षा मागुची परिंक परिवार आज जो जबरदस्ती करके हम बाड़ाबाड़ी कर एमती करछ। हम हाईकोर्ट भी अपील करथलु कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए पुलिस सहायता नहीं कि पुलिस कौन से प्रोटेक्शन देलानी किसी कलानी आज आज्ञा हमको मारिक एमती करछन्ती अवस्था करके छाड़ी बाड़िया को हमको मारिदे ही आक्रमण करते आम घर भितर पशि जाए कबाट झरका सब बंद कर डरिकी फल यहाँ आज्ञा बाबुली नायक पूरा भाव संपृक्त अच्छे से कहला भिड़िकी आंधिक बाड़ा हाइकोर्ट को निर्देश पर भी पुलिस देनी सुरक्षा गोटे पटे हत्याकांड को बीती तीन मास अपराधी टेर पाउनी पुलिस किंतु हाइकोर्ट को निर्देश पर भी कहीं चुप पुलिस कहीं परिवार को पुलिस देनी सुरक्षा यह कोर्ट को निर्देश अवमानना नुह कि ना कहा चापर काम कर पुलिस और प्रशासन अभियोग आसुची। स्थानीय बीजेडी नेता बाबुली नायकों किसी युवक ग्रामवासी आक्रमण करते बाबुली नायक मंत्री तथा नयागढ़ विधायक अरुण साहू का अनुगत बोली अभियोग हो हापी नायक आउ सिलु बेहरा नीलु बेहरा आउ से कानू बेहरा तामा नीलकंठ बेहरा तामा एम से बीरर स्त्री बीरर शाड़ी ता शशुर एम समस्ते आसिक आमको आज घर भितर पशिक अतर्कित आक्रमण करी आमको बाड़िया मरा कले पांच वर्षर परी को हत्या परे टार्गेट रे परिवार मामला रफादफा करने को पुलिस और प्रशासन उपर पड़ुची कि चाप शासक दलर चाप जो खुल्लंखुला बुलुंट कि अभियुक्त पुलिस उपर चाप पकाउं कि मंत्री अरुण साहू यार भितर न्याय अपेक्षार नाबालिका परी परिवार नयागढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आसिबा परवर्ती खबर को केन्द्र कैबिनेट रे केन्द्र कर्मचारी एक बड़ घोषणा करा जाइछि। 30 लक्ष सरकारी कर्मचारी कैबिनेट दीपावली बोनस घोषणा करिछि। कैबिनेट रो निष्पत्ति संपर्क में सूचना प्रदान करी केन्द्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहिछन्ति जे सीधा सड़क डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे कर्मचारी अकाउंट को टंका ट्रांसफर हेबो। केन्द्रीय कर्मचारी को केन्द्र रो उपहार मिलिब 3714 कोटी रो दीपावली बोनस। 30 लक्ष सरकारी कर्मचारी को मिलिब बोनस। केन्द्र कैबिनेट रे केन्द्र कर्मचारी को पाई बड़ घोषणा करा जाइछि। 30 लक्ष सरकारी कर्मचारी को पाई कैबिनेट दीपावली बोनस घोषणा करिछि। कैबिनेट रो निष्पत्ति संपर्क रे सूचना प्रदान करी केन्द्र मंत्री प्रकाश जावडेकर कहिछन्ति जे सीधा सड़ख डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे कर्मचारी को अकाउंट को टंका ट्रांसफर हेबो। बोनस टू ओवर 30 लाख 3 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑफ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक रेलवेज पोस्ट डिफेंस प्रोडक्शन बिलोंगिंग टू ईपीएफओ एंड ईएसआईएस अरेंजमेंट
Sir, 17 lakh non-gazetted employees will get 2,791 crore as a productivity linked bonus. And non-gazetted employees, 13 lakh employees in central government services, they will get 906 crore rupees in bonus. एथिसहित केन्द्रमंत्री प्रकाश जावडेकर कहिछंती जे तुरंत कर्मचारीक बोनस टंका स्थानांतर करबाकु निर्देश मध्य दिया जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अध्यक्षतारे अनुष्ठित होइतिबा कैबिनेट बैठक रे एही बड़ निष्पत्ति निया जायछि। सेबडे सप्ताह पूर्वरु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी कर्मचारीक पई एक स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम प्रणयन करबाकु घोषणा करथिले। एहा माध्यम रे कर्मचारी माने 10,000 टंका आगुआ नेबाकु सक्षम हेबे। अर्थनीति उपरे कोविड 19 रो प्रभाव देखि मोदी सरकारक पक्षरु एही घोषणा करा जायछि, जार लाभ सीधा सडख केन्द्र सरकार कर्मचारी माने पाइबे। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। महिलांक सुरक्षा पई आरंभ हला पिंक पेट्रोलिंग। उत्तर प्रदेश सरकारंक एहा स्वतंत्र महिला पुलिस यूनिट तेबे मिशन शक्ति अभियान रो नुआ अंश एही पिंक पेट्रोलिंग। कठोर तालीम परे प्राय 250 महिला पुलिस कर्मचारीक एही पिंक पेट्रोलिंग रे नियोजित करा जायछि। महिलांक सुरक्षा पई पिंक पेट्रोलिंग उत्तर प्रदेश सरकारंक स्वतंत्र महिला पुलिस यूनिट मिशन शक्ति अभियान रो नुआ अंश पिंक पेट्रोलिंग। सामिल हेले 250 पुलिस कर्मचारी। प्रतिदिन महिलांक प्रति निर्यातनार खबर मध्यरे उत्तर प्रदेश सरकार एक स्वतंत्र महिला पुलिस यूनिट गठन करिबा सह सेमानक सुरक्षा तथा निरापत्ता को सुनिश्चित करिबा पई उद्यम जारी रखबाकु निष्पत्ति नेछन्ति। पिंक पेट्रोल नामक नूतन महिला पेट्रोलिंग फोर्स हेउछि मिशन शक्ति अभियान रो एक अंश। कठोर तालीम परे प्राय 250 महिला पुलिस कर्मचारी को एही पिंक पेट्रोलिंग रे नियोजित करा जायछि। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश रे अन्य जिला यथा कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मीरठ, नोएडा, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद रे पिंक पेट्रोलिंग योजना स्थापन करबाकु अपेक्षा करछन्ती। कार्यक्रम रे प्रथम पर्याय रे राज्य रे प्राय 100 स्कूटी और 10 एसयूवी सेवा जोगाई दे दैछि। महिलांक प्रति निर्यातना तथा अपराध मामला रे तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु पिंक पेट्रोलिंग टीम को डिजाइन करा दैछि। सेफ सिटी योजना अनुजाई लखनऊ पुलिस हॉटस्पॉट भाबरे चिन्हट होइतिबा स्थान रे पिंक पेट्रोल कार्य करिवो। सरकारी मुखपात्र एने कहिछन्ती जे एहा प्रथमे बालिका महाविद्यालय समेत सेहिबडी स्थान गुडी करे रखा जिवो जेउठारे महिला माने अधिक संख्या रे देखबा मिलथाती। महिलांक अभियोग एवं परामर्श आधार रे पेट्रोलिंग मध्ये करा जिवो। लखनऊ पुलिस अधिकारी कहिछन्ती जे आवश्यकता अनुजाई राति रे मध्ये पिंक पेट्रोलिंग नियोजित करा जाई पारिवो। ए फोर्स को निकटस्थ पुलिस स्टेशन सहित 1090 एवं 112 ओ इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सहित सीधा सड़क संयोग करा जिवो, जहां द्वारा आवश्यक स्थले अतिरिक्त पुलिस फोर्स पठा जाई पारिवो। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। बुलेटिन रे समय सरिछि। अधिक खबर पई आम वेबसाइट विजिट करि परिबे अर्गस न्यूज। नमस्कार।